तो हम लोग जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो क्या है, हीट कंडक्शन थ्रू अ प्लेन वॉल। ठीक है, तो जनरल कंडीशन जो हमारी कंडक्शन की होती है वो हमने इक्वेशन ये लिख ली। ये इक्वेशन आपकी किसके लिए होती थी, एक तो 3D होना चाहिए था, दूसरा हीट जनरेशन होना चाहिए था, तीसरा अनस्टेडी होना चाहिए था, है ना, और आपकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या थी, कॉन्स्टेंट थी, होमोजेनियस मटेरियल होना चाहिए था। ठीक है, बट अब हम, लेकिन हम यहाँ कंडीशन क्या कंसिडर करने जा रहे हैं, हम कंसिडर करने जा रहे हैं नो इंटरनल हीट जनरेशन, मतलब QG वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। हीट स्टेडी स्टेडी स्टेट फ्लो मतलब टाइम के साथ वाली चीज क्या हो जाएंगी, जीरो। ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। वन डायमेंशन मतलब बाकी दो टर्म क्या हो जाएंगे आपके, जीरो। तो इस टाइप से ये फोर टर्म्स आपके क्या हो गए, जीरो। आपका एक टर्म बचा सिर्फ क्या, डेल स्क्वायर टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये आपका इक्वेशन बचा हुआ है। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक प्लेन वॉल से जो कंपोजिट वॉल हो सकती है, उस कंपोजिट वॉल से आपकी कितनी हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, ठीक है। सो हमको करना क्या है इसमें, पहले तो कुछ कंडीशंस इसमें फाइंड करनी पड़ेंगी। क्या है यहाँ पर, प्योर आपका डिफरेंशिएशन यूज होगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखना कैसे जा रहा है, इसको स्टार्ट कर दो फाइनली। डेल स्क्वायर टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज टू जीरो। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग। इक्वेशन, इस इक्वेशन को एक बार इंटीग्रेट करो, जरा इंटीग्रेट करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल टी ओवर डेल एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, जब आप बोथ साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो जो जीरो वाले टर्म हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके, इंटीग्रेट होकर के कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, वैसे ही कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, एक बार इंटीग्रेट किया तो कॉन्स्टेंट आ गया, ये कॉन्स्टेंट हमने कंसिडर कर लिया सी वन। ठीक है, अब क्या किया हमने, इसको कैलकुलेट कर लिया, इसको ऐसे लिख लिया आपने कि डी टी ओवर डेल को डी में कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। डी टी ओवर डी एक्स इसको टू सी वन था, इसको लिख लिया हमने डी टी इसको टू सी वन इंटू डी एक्स। एक बार फिर से इंटीग्रेट कर दो, ऑन इंटीग्रेटिंग। बोथ साइड एक बार फिर से इंटीग्रेट किया, जब आप इंटीग्रेट करते हो डी टी सी वन डी एक्स, ठीक है, करो जरा क्या आ जाएगा, डी टी का जो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिर्फ टी हो जाएगा, इसको टू सी वन कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी टू। जब आप इंटीग्रेट करते हो तो एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट आता है, वही इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट आपका क्या है, सी टू। ये आपका टेम्परेचर का कंडीशन है। अब आपको करना क्या है, आपको फाइंड करनी है ये सी वन और सी टू की वैल्यूज, और सी वन और सी टू की वैल्यूज फाइंड करके हमको ये वैल्यूज इसी इक्वेशन में ला करके पुट करनी है। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू डू टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सी वन एंड सी टू। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आपको कुछ कंडीशंस रखनी पड़ेंगी, बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, क्या बाउंड्री कंडीशंस हैं बता रहा हूँ, कुछ बाउंड्री कंडीशंस हैं जो आपको यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, क्या क्या बाउंड्री कंडीशन है, देखो ये जो वॉल है इसका टेम्परेचर जब आप एक्स इक्वल टू जीरो रखते हो, जब आप एक्स इक्वल टू जीरो रखते हो तो टी इक्वल टू कितना है, टी वन। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, इस इक्वेशन में, ये जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो टेम्परेचर है, जो ये टेम्परेचर है, ये एक्स के साथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। जरा ऊपर वाले फिगर को उठा करके नीचे लेकर के आते हैं, देखना जरा इसमें क्या होगा, जो फिगर था फिगर को उठा करके नीचे लेकर चलते हैं जरा एक बार।
देखो ये आपका एक्स था, ये इधर एक्स, ठीक है। इस एंड से हमने एक्स कंसीडर करना स्टार्ट किया है। तो जब आपका एट, ध्यान से देखना कंडीशन, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब एक्स आपका जीरो है तो टी कितना है आपका, टी वन के। जब एक्स इक्वल टू जीरो है मतलब शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो उस समय पर आपका टेम्परेचर कितना होगा, टी वन, वॉल का जो टेम्परेचर होगा। दूसरा, एट एक्स इक्वल टू एल, जब एक्स की वैल्यू कितनी है, एल, तब आपका टेम्परेचर कितना है, टी टू। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका, टी टू। ये दोनों कंडीशन जरा पुट करो, सबसे टी टू की वैल्यू, वैल्यू इन इक्वेशन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी आपकी, फर्स्ट वाली इन इक्वेशन, फर्स्ट क्या है इक्वेशन, इक्वेशन थी आपकी टी इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू। पहली कंडीशन जब आप पुट करोगे, क्या एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जब जीरो रख रहे हो तो टी इक्वल टू कितना आ रहा है, टी वन, सी वन इंटू जीरो प्लस सी टू। यहाँ से सी टू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, सी वन। एग्री करते हो सभी लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन जब पुट करोगे, फर्स्ट कंडीशन जब आपने क्या पुट करी है, एक्स इक्वल टू जीरो तो टी इक्वल टू टी वन। दूसरी कंडीशन इसी तरीके से पुट करो, एक्स इक्वल टू एल तो टी इक्वल टू टी टू। करो जरा, इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो टी इक्वल टू हो जाएगा टी टू, सी वन इंटू एक्स इक्वल टू एल प्लस सी टू की जगह क्या सी टू रखोगे, ठीक है। सी टू की जगह सी टू की वैल्यू भी पुट कर सकते हो आप, ये क्या आ जाएगा, टी टू इक्वल टू सी वन इंटू एल प्लस सी टू की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, टी वन। तो यहाँ से सी वन कितना आ गया, सी वन विल बी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन अपॉन एल, ये आ गया आपका सी वन, ठीक है। यहाँ से आपने निकाल लिया। आप क्या करो, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ सी वन एंड सी टू इन इक्वेशन फर्स्ट, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, क्या थी इक्वेशन, टी इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू। यहां पर आप सी वन सी टू की वैल्यू पुट करो, तो टी इक्वल टू सी वन, सी वन कितना आ रहा है आपका, टी टू माइनस टी वन अपॉन एल इंटू एक्स प्लस सी टू। सी टू कितना आ रहा है आपका, सी टू आ रहा है आपका किसके बराबर, टी वन के इक्वल में, टी वन, ठीक है। टी वन को इधर शिफ्ट करो तो क्या आ जाएगा, टी माइनस टी वन इक्वल टू टी टू माइनस टी वन अपॉन एल इक्वल टू एक्स, ये आगे कंडीशन, ठीक है। या फिर आप क्या कह सकते हो, इसी को आप लिख लो, ये आपके लिए मान लो इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर आपका टेम्परेचर आ गया, देखो अब कांस्टेंट क्या रह गया, सिर्फ टी वन टी टू आपको पता थे, टेम्परेचर आ गया आपका एक्स के साथ में। अब आप इससे क्या बता सकते हो, ये फायदे वाली चीज है कि आप किसी भी एक्स पे, मतलब ये वॉल के किसी भी एक्स पे आप टेम्परेचर की वैल्यू बता सकते हो, कोई भी एक्स होगा आप वहां पर वॉल के टेम्परेचर की वैल्यू बता सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मूले से, ठीक है, कि आपका जो टेम्परेचर है वो एक्स के साथ में कैसे वेरी कर रहा है, टी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन अपॉन एल एक्स टी प्लस टी वन, ठीक है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ, फोरियर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका जो क्यू होता है, क्यू इक्वल टू माइनस का के ए डी टी ओवर डी एक्स, ये पता है आपको। यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू रख दो, क्यू इक्वल टू माइनस का के ए डी ओवर डी एक्स, टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू ये रही आपकी, क्या है टी की वैल्यू, टी टू माइनस टी वन अपॉन एल इंटू एक्स प्लस टी वन, ये आपकी टी की वैल्यू आ गई। इसको जरा डिफरेंशिएट करो, इक्वेशन डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, जो कॉन्स्टेंट होता है वो हमेशा बाहर आ जाता है, माइनस का के ए इंटू टी टू माइनस टी वन अपॉन एल, तो बाहर आ गया, क्या बचा इन द ब्रैकेट आपका, इसका जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो वन ही हो जाएगा, बस कितने ही बचेगा, ये क्या आ गया आपका, क्यूब इज इक्वल टू माइनस का के
ए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, के ए इंटू टी वन माइनस टी टू अपॉन एल, ये आपकी हीट ट्रांसफर हो जाएगी कि इतनी हीट आपकी ट्रांसफर होगी। ठीक है, और अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा, आप अगर रिलेट करते हो तो क्यू स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, टी वन माइनस टी टू अपॉन में एल अपॉन के। अगर हम इसको कंपेयर करें वी अपॉन आर से, यहाँ पर फ्लो होती है हीट तो यहाँ पर फ्लो होती है करंट, यहाँ डिफरेंस होता है टेम्परेचर का तो इधर डिफरेंस होता है वोल्टेज का, यहाँ पर होता है आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका थर्मल रेजिस्टेंस। इट मीन क्यू विल बी इक्वल्स टू टी वन माइनस टी टू अपॉन आर थर्मल, ऐसा एल अपॉन के कैसे हुआ? ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। ये जो के था ना, के को हम लोग इसके अपॉन में लिख सकते हैं ना एल के, जैसे आपका लिखा है मान लो एक्स अपॉन वाई, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, वन अपॉन वाई बाई एक्स, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक उस मेथड से हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपली मैथमेटिक्स, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, क्यू इक्वल टू आर वन माइनस आर टू अपॉन आर टी एच, आपको मतलब किससे होगा, आर टी एच से, थर्मल से मतलब होगा, आप टोटल हीट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, या आप वेयर आर टी एच इज थर्मल रेजिस्टेंस, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी कंडक्शन के लिए क्या है, आर थर्मल, आर थर्मल कंडक्शन के लिए है एल अपॉन के ए, ये है। ठीक है, अब अगर हम कंपोजिट वॉल की बात करते हैं तो देखो ये दूसरा, अब अगर हम आगे बढ़ें और बात करते हैं वॉल आपकी कैसी है, कंपोजिट है, हीट कंडक्शन थ्रू अ कंपोजिट कंपोजिट वॉल का क्या मतलब है, देखो कई सारी वॉल हो गई हैं आपकी, मान लो यहाँ से देखना इसको, इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये मान लो आपके तीन तरीके की वॉल हो गई, एक हो गई है येलो कलर की, दूसरी ये हो गई, ठीक है, तीन वॉल हो गई। अब आपने क्या करना है, इन वॉल के बारे में डिफाइन कर दो, क्या सबका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, एरिया सबका कांस्टेंट है, ठीक है, मान लो तीन बॉडी थी आपकी ए बी सी, तीन बॉडी सबकी लेंथ अलग अलग है, इसकी लेंथ आप कंसीडर कर लो एल एल ए है, इसकी लेंथ आपकी एल बी है, इसकी लेंथ आपकी एल सी है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी सबकी कंसीडर कर लो, मान लो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के ए के बी के सी है, ठीक है, ये हो गया। हमने क्या करना है, हमने करनी है हीट ट्रांसफर, हमने हीट ट्रांसफर यहाँ से स्टार्ट करी ऐसे, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग थी तो पहले हीट ऐसे आई, फिर स्लोप और चेंज होगा, फिर स्लोप और चेंज होगा, और ये बहुत ज़्यादा बेकार, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है तो आपको पता है स्लोप अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा सभी का, पहला ऐसा हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा हो सकता है और बेंड हो जाए और फिर ये बाहर निकल जाएगी, लेकिन आपको पता है क्यू हीट एंटर करेगी तो क्यू हीट ही इस ए से भी जाएगी, क्यू हीट बी से भी एंटर करेगी, क्यू हीट सी से भी जाएगी, और ओवरऑल भी क्यू ही बाहर निकलेगी अकॉर्डिंग टू फोरियर, जितनी हीट आपकी एंटर करती है उतनी ही हीट आपकी एग्जिट करती है, अगर किसी स्टडी स्टेट फ्लो है कि बिना किसी जनरेशन के, ये सारे कंडीशन अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जैसा हमने पीछे बताया कि जो हमारा आर थर्मल होता है, आर थर्मल क्या होता है आपका, आर थर्मल इक्वल्स टू एल अपॉन के होता है जनरल, ठीक है, तो अगर हम आर थर्मल कैलकुलेट करते हैं, आर थर्मल ए, ए की वजह से थर्मल रेजिस्टेंस तो कितना हो जाएगा एल ए अपॉन के ए इंटू ए, इसी तरीके से आर थर्मल बी की बात करें तो कितना हो जाएगा एल बी अपॉन के बी इंटू एरिया, तो सबका कांस्टेंट है, इसी तरीके से आर थर्मल सी की बात करें तो एल सी अपॉन के सी इंटू ए हो जाएंगे,
ठीक है, ये तीनों क्या हो गए आपके थर्मल रेजिस्टेंस। अब आपको पता है टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम कंसिडर कर लें, ये टेम्परेचर डिफरेंस T1 है, यहाँ का टेम्परेचर आपका T2 है। हाँ सर एक मिनट रोकूंगा इसमें। ठीक है, T3 एंड T4। हाँ बताओ, वेट बताओ। सर आपने तीनों का एरिया ए लिखा हुआ है और जबकि लेंथ तीनों का अलग अलग है, ऐसा क्रॉस ये कुछ सेक्शन नहीं देखो, है। मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो एरिया कौन सा लेते हैं जिस साइड से आपकी हीट एंटर होती है, एग्री करते हो? जी हाँ सर। ठीक है, तो हम एरिया यहाँ पर कौन सा लेंगे जिस साइड से हीट एंटर कर रही, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कितना कंसीडर कर लिया, ए। और ये सभी में सेम है, ठीक है भाई? जी हाँ सर। ठीक है, तो ये आपके थर्मल रेजिस्टेंस हो गए। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, हाँ टेम्परेचर की। तो हमने मान लिया इसका टेम्परेचर T1, T2, T3 और T4, ये इंटरफेस टेम्परेचर है जहां से वॉल आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही, कनेक्ट है बेसिकली एक दूसरे से। ठीक है चलो, तो हम अगर आपसे बात कहें, क्या ऊपर जैसे हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था कि अगर हमारी सिर्फ पहली वॉल होती ए, तो क्या होता T1 - T2, सॉरी अगर आपकी Q की बात करते, तो Q अगर Q इक्वल्स टू सिर्फ आपकी फर्स्ट वॉल होती, तो क्या आ जाता, T1 - T2 अपॉन क्या हो जाता, R थर्मल A। सही बात है ये? ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, T1 - T2 अपॉन LA अपॉन KA into A। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा KA into A T1 - T2 अपॉन क्या हो जाएगा, L LA, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका क्यू मिला करके क्यू आ रहा है, क्यू कितना आ रहा है, क्यू विल बी इक्वल्स टू KA into A T1 - T2 अपॉन LA। हम क्या करने जा रहे हैं, यहां से वैल्यू निकालना है T1 - T2 की। जब T1 - T2 की वैल्यू निकालोगे तो एल ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, एल ए इंटू क्यू अपॉन KA into A एरिया, ये आ गया। ठीक है, हमने आपसे क्या बताया, जितनी हीट आपकी फर्स्ट से ट्रांसफर होगी उतनी सेकंड से, उतनी ही थर्ड से। तो पहला डिफरेंस आपका ये आ गया। दूसरा अगर निकालेंगे T2 - T3 का, चेंज क्या क्या होगा, सिर्फ एल बी चेंज हो जाएगा, क्यू सेम रहेगा, के की जगह के बी हो जाएगा और एरिया सेम रहेगा। ठीक है, अगर ए हम T3 - T4 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, एल सी रहेगा क्यू अपॉन KC into A। ये थी सेकंड, ये थी थर्ड। हमने क्या किया, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों को ऐड करो जरा, क्या हो जाएगा, T1 - T2 प्लस T2 - T3 प्लस T3 - T4। वैल्यूज क्या थी इनकी, एल ए क्यू अपॉन, गलत, सही है, यही थी ना, एल ए क्यू अपॉन, हाँ सही, एल ए क्यू अपॉन KA into A प्लस एल बी क्यू अपॉन KB into A प्लस एल सी क्यू अपॉन KC into A। यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, -2 + 2 - 3 + 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ आपका T1 - T4। इधर क्या क्या बचा, ध्यान से देखना, एल ए अपॉन KA into A प्लस एल बी अपॉन KB into A प्लस एल सी अपॉन KC into A into Q। क्या कह सकते हो आप, क्यू इक्वल टू T1 - T4 अपॉन एल ए अपॉन KA प्लस एल बी अपॉन KBA एल सी अपॉन KCA, ये आ गया। ठीक है, आपको पता है ये क्या होता है, इसको लिख सकते हो आप, क्यू इज इक्वल टू
T1 माइनस T4, आर थर्मल क्या होता था? आर थर्मल होता था एल अपॉन के, है ना? यानी इसको क्या कह सकते हो आप, ये इक्वल टू हो जाएगा आपके आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ठीक है? ये आपका टोटल थर्मल रेजिस्टेंस हो। मतलब क्या हुआ, देखो T1 आपका इनिशियल टेम्परेचर हो गया, T4 आपका फाइनल टेम्परेचर होगा वॉल का। बीच वाले किसी टेम्परेचर से मतलब नहीं है कि कितनी टोटल हीट से ट्रांसफर होगी, मतलब किससे, सिर्फ इनके थर्मल रेजिस्टेंस से मतलब है सभी के, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इसको अगर आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहो क्या लिख सकते हो इसको जनरल, क्यू इज टू T1 माइनस TN प्लस 1, ठीक है, जो आपकी सबसे लास्ट वाली है, अपॉन समेशन ऑफ, क्या समेशन ऑफ, एल अपॉन के ए, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के एन तक वेरी करेगा अगर एल एन और के एन लिखते हैं तो, ठीक है? ये आपकी क्या हो गई, जनरल इक्वेशन हो गई, जनरल हीट इक्वेशन हो गई, ठीक है? तो ये तो तब था जब आपके जो रेजिस्टेंस थे वो कैसे ऐड थे आपके सीरीज में, इसको क्या बोलते हैं आप, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में आपका रेजिस्टेंस और सारी चीजें आ गई, एल अपॉन के ए, इतनी हीट आपकी ट्रांसफर हो रही थी, ठीक है? तो जब कंपोजिट वॉल से हीट हम निकालेंगे तो आर ए आर बी आर सी को नीचे ऐड कर देंगे, टोटल बेसिकली ये सिंपली आप ऐड करते हुए चले जाओ, ठीक है? ये समझ में आया, क्लियर हुआ ये, बताओ?